कैसा प्रोसेस हो, तो कुछ ही देर हो रहा है मुझे देख के आए हुए बच्चन पांडे। तो इस मूवी के बारे में मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ कि इस मूवी में क्या ऑफर करती है ऑडियंस के लिए और क्या आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं पूरी बात बच्चन पांडे के करने वाला हूं। इसकी रीमेक को मैं साइड में रखकर बता रहा हूं कि जीगा ठंडे के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं। टोटल जो बच्चन पांडे है इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के मूवीज रिव्यू और मूवीज के अपडेट्स पाने के लिए। तो बात करते हैं टोटल इस मूवी के बारे में यार। तो जैसे हाउसफुल 4 में हुआ था, जो कॉमेडी के नाम पे ऊपर पे टॉप जो हमें टॉर्चर दिया गया था, सेम टू सेम प्लॉट इस पे भी है। यही मैं कह सकता हूँ, कॉमेडी के नाम पे मीम्स की रिक्रिएशन की गई है मूवी पे। और जहां भी इस पूरी मूवी में अगर मैं बात करूं तो पंकज त्रिपाठी सर टॉप नॉच। पंकज त्रिपाठी सर की जो स्क्रीन स्पेस है वो कम है, मगर जितनी भी देर वो स्क्रीन स्पेस दी गई है वो इम्पैक्ट करके गए। वो जो गुजराती का जो मतलब कि वो एक टीचर हैं जो मतलब कि एक्टिंग सिखाते हुए नजर आते हैं, मगर उनकी जो वहाँ पर जो स्क्रीन प्रेजेंस है माइंड ब्लोइंग है। वो तो फिल्म की बात करूँ दोस्तों मैं, तो शुरू के जो 20 से 25 मिनट है पूरी तरह से स्लो जाने वाला है। फिल्म आपको इंटरटेन करेगी नहीं। एक दो पंच आएंगे अरशद वारसी और जो कृति सैनन के साथ में जो गपशप चलती है उसके बारे में, पर फिल्म स्लो लगती है। पर जैसे ही एंट्री होती है अक्षय सर की, उसके बाद जो वो बॉक्स ऑफिस को जैसे पैंडेमिक में रिवाइव किया था, इस प्रकार से इस फिल्म को जैसे वो कंधे पर लेके चलते हैं हैट्स ऑफ। और उनकी जो लुक है उसके बाद से, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फिल्म पे इतनी सारे ब्लडी सीन्स हैं। फिल्म में एक्शन के नाम पे भरपूर दिया गया, ब्लड आपको हर जगह के उसके जो छींटे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो अरशद वारसी भी काफी अच्छा उसको निचोड़ा गया है, बाकी और सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी ठीक ठाक यूज किया गया है। मगर इसकी बात करूं अगर मैं उनकी केमिस्ट्री के साथ कृति सैनन की, और जो छोटा सा रोल है जो जैकलिन फर्नांडिस हैं उनका जो मतलब कि स्क्रीन प्रेजेंस है उतना खास इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। सिर्फ इस फिल्म पे मुझे देखने का अगर किसी फिल्म को इंटरेस्ट बन रहा था तो वो था अक्षय सर, और इस मूवी में वही हुआ। अक्षय सर इस पूरी फिल्म को लेकर चलते हैं अपने कंधे पे। अगर बात करूँ इस मूवी की प्लॉट की, तो आप लोगों ने अगर ट्रेलर को देख लिया होगा तो शुरू से एंड तक पूरी कहानी की स्टोरी उसी पे रिवील कर दिया गया। आपको बीच बीच में थोड़े से सीन डाल के इस मूवी को कंप्लीट कर दिया गया। जैसे कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कृति सैनन एक फिल्म बनानी चाहती हैं, जिसकी सेकेंड रोल पर अरशद वारसी को लेकर वो ढूंढने निकलती हैं कि स्टोरी के ऊपर से जहाँ पर एक गैंग मिलता है उसकी फिल्म पे ये बनाना चाहती हैं, और वो अपनी जीवनी पे इस फिल्म को बनाने देगा कि नहीं देगा, और उसके हीरो वो कैसे बनते हैं, और जो गैंगस्टर उनकी छवि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसी पे पूरी फिल्म होने वाली है, जो आप लोगों ने ट्रेलर टोटल देख लिया। बाकी और मैं ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है ना वो आपको वीक नजर आएगी, क्योंकि कई कई जगह कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जो लगते हैं कि कंप्लीट नहीं हुए, मतलब थोड़े से माइंड पे वो इंटरटेन करते हैं कि क्या हुआ इस जगह पे, तो इस टाइप को भी आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं अगर इस फिल्म को अगर आपको रिकमेंड करूँ तो अगर आप मतलब अक्षय सर क्या कि परफॉर्मेंस आपको देखनी है तो टॉप नोच आप जाके इस फिल्म को देख सकते हो। बाकी कॉमेडी आपको ठीक ही ठाक लगेगी, उतनी खास नहीं है। फिल्म में एक्शन है जो काफ़ी भरपूर आपको मिल जाने वाला है। बाकी आप लोगों को अगर इस फिल्म को देख लिया होगा तो आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर बने रहेगा इसी तरह के मूवीज़ अपडेट और मूवीज़ रिव्यूज़ के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।